मारो बीबी को तो जरा कोई खौफ है खुदा नहीं। उमर साहब की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, भला उनका और नादिया बीबी का कोई जोड़ है मंजूर भाई? शाही मालिकों के मामले भूलने की क्या जरूरत है तुम्हें? मारो बीबी बहुत समझदार है, हमेशा वही हुआ है जो उन्होंने चाहा, और अहमद साहब की शादी वहीं होगी जहाँ मारूक बीबी चाहेंगी, समझी? खुदा ना करे जो नादिया बीबी से हो, पहले ही जिंदगी बर्बाद है, उसके बाद तो और ही जहन्नुम बन जाएगी। दोनों एक से बढ़कर एक, बल्कि इतनी जालिम और मगरूर है, और अहमद भाई वो तो बेचारे इतने नरम दिल है। अरे मरवाएगी क्या मुझे? अगर एक बात तेरी सुन ली ना मारूक बीबी ने, तो सब्र नहीं कर सकती जो तेरा हाल करेंगी। चुप करके अपना काम करती रह, प्यास काट। कर तो रही हूँ, और वैसे भी मैं सही बता रही हूँ, अगर नादिया बीबी से उनकी शादी हो गई ना, मैं तो ये नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी सखर अपने मामू के घर। हाँ सखर चली जाना, नौकरियों के पेड़ लगे ना तुम्हारे मामू के आंगन में। आई बड़ी बात करती है, ये काट रही हूँ क्या कर रही है तुम, जल्दी करो। मेरी तो बस दुआ है अहमद साहब की शादी कभी नादिया बीबी से ना हो। अरे बीबी जल्दी जल्दी काटो, हंडिया को देर हो रही है। साजिद भाई क्या कह रहे हैं, इफ्रा चली गई इस तरह अचानक? वो सारी हकीकत जान गई अनवर साहब, अपने बारे में, अपने बाप के बारे में जो राज अब तक छुपा हुआ था वो एकदम से जाहिर हो गया, फिर वो कैसे रोक सकती थी? एक मिनट, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब आपने उसे जाने के लिए कहा था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका अपना फैसला था। वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है, इतनी सेटल्ड लाइफ को छोड़कर चली गई? अब ये तो उसकी अपनी मर्जी है अनवर साहब, मालूम नहीं क्या सोचा फैसला करते हुए। मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं ताकि आप साहिर को संभाल लें। अच्छा लड़का है मगर जज्बाती है, इफ्रा का इस तरह जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिक्र ना करें, मैं अपने बेटे को इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। ओके अनवर, कौन था? खैरियत तो है, कोई बात हुई है क्या? किसका फोन था? नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ऑफिस से कॉल थी, को खास बात नहीं है। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हो गया? अगर ऐसा नहीं है ये तो तुम्हारे साथ होने की खुशी है ना। घर जाने के नाम से भी मुझे वहशत होने लगती है, रातें जाग के गुजरती है। तो किसने कहा जागो, सोने की कोशिश करो, नींद खुद ही आ जाएगी, इतना मुश्किल तो नहीं है। नहीं आती ना, तुमने ही प्रॉमिस करवाया था कि स्लीपिंग पिल्स ना लो, वरना उनके सहारे नींद आ जाती। जो कहता हूँ तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। थैंक यू। अभी से स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत हो गई तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अभी कौन सी आसान है अमर, कभी खुद को मेरी जगह रख के देखो तो तुम्हें पता चले। एनीवेज हम यहाँ बीमार होने नहीं आए, और ना ही मैं तुम्हें दोबारा बीमार होने की इजाजत दूंगा। ओके? अच्छा फिर क्या कर? फजूल बातों को अवॉइड। थैंक यू।